हेलो एवरीवन, आई एम रमेश निषाद एंड वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अभिप्सा एंड अभिप्सा टीम। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नोटिस राइटिंग। और नोटिस राइटिंग के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो 10वीं के एग्जाम हो चाहे वो 12वीं के एग्जाम हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि नोटिस राइटिंग होता क्या है, नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं और एग्जाम्पल सहित। तो देख लेते हैं नोटिस राइटिंग होता क्या है, नोटिस आखिर में होता क्या है। तो अक्सर आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा कि इस तरह की नोटिस बोर्ड लगे होते हैं। इस तरह के जो बोर्ड्स होते हैं वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में, संस्थानों में, लाइब्रेरी में लगे होते हैं और इसमें नोटिस लगाए जाते हैं। तो जो नोटिस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रिंटेड फॉर्म वाले और एक होते हैं रिटर्न फॉर्म वाले। ठीक है, तो एग्जाम में हमें रिटर्न फॉर्म वाले नोटिस तैयार करने हैं। अब हम देख लेते हैं कि नोटिस आखिर में होता क्या है। तो नोटिस जो होता है वो एक तरह का जनरल इन्फॉर्मेशन होता है, एक तरह का जनरल एक इनविटेशन भी मान सकते हैं। और जब कभी भी किसी भी तरह का कोई इवेंट होना हो, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना हो या किसी भी तरह का इनॉग्रेशन हो या फिर किसी भी तरह का जनरल इंस्ट्रक्शंस देना हो, तब हम क्या तैयार करते हैं, हम नोटिस तैयार करते हैं। अब ये जो नोटिस होता है वो स्कूल के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, लाइब्रेरी के द्वारा या किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी एग्जाम में किसी भी तरह की जब नोटिस आएगी, नोटिस राइटिंग वाला क्वेश्चन आएगा, तो आप सबसे पहले एक बॉक्स तैयार करेंगे और इस बॉक्स के अंदर ही आपको नोटिस लिखने हैं। बॉक्स के सबसे ऊपर में, सबसे टॉप में आपको क्या लिखना है, सबसे टॉप में आपको लिखना है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, या फिर नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी ये जो नोटिस है वो किनके द्वारा जारी किया जा रहा है, स्कूल के द्वारा, तो कौन से स्कूल के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, लाइब्रेरी के द्वारा, किसी संस्थान के द्वारा, तो उनका नाम यहाँ पे सबसे टॉप में लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, लगभग एक लाइन आप छोड़ लीजिए, उसके बाद आप लिखेंगे बीचों बीच नोटिस। इतना लिखने के बाद फिर से आप एक लाइन फिर से ऐसे आप गैप करिए और नीचे में लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे डेट, यानी कौन से डेट पे हमने नोटिस जारी किया हुआ है, उस डेट को यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और गैप, और गैप के बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, यानी हमारा जो टाइटल है वो किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, यानी ये जो टाइटल है वो बताएगा कि ये किस चीज़ को लेकर के नोटिस जारी किया गया है। डिबेट कंपटीशन को लेकर के है, किसी भी तरह का एनुअल फंक्शन को लेकर के है, किसी त्यौहार को लेकर के है या किसी टूर को लेकर के, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जो टाइटल होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है कि हमारा जो टाइटल है वो क्या है। तो टाइटल लिखने के बाद फिर आप एक दो लाइन फिर से छोड़िए, फिर बॉडी लिखेंगे। बॉडी इट मीन्स इसमें आपको पूरी जानकारी देनी होनी होगी और ये जो बॉडी की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी होनी चाहिए। तो ये जो लंबाई है वो लगभग होनी चाहिए 50 वर्ड्स के आसपास, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना है ताकि जो नोटिस है वो एकदम बड़ा सा हो जाए। यानी नोटिस को आपको एकदम शॉर्ट में लिखने हैं, जो जानकारी देनी है आपको कम से कम शब्दों में आपको लिखना है, यानी आपको गागर में सागर भरना है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 50 वर्ड्स के आसपास आपको लिखने हैं। अब 50 वर्ड्स में जो भी जानकारी देनी है वो आनी चाहिए, और क्या क्या जानकारी आनी चाहिए, तो इसमें आपके डेट आनी चाहिए, टाइम आनी चाहिए, और क्या आनी चाहिए, वेन्यू आनी चाहिए, यानी किस जगह पे है, यानी आप जो भी नोटिस जारी कर रहे हो तो जो नोटिस है वो किस डेट के लिए है, किस समय के लिए। अब जैसे कि सामान्य सी बात है, यदि आपको किसी भी तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, जैसे एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो एनुअल फंक्शन कब है वो डेट होना चाहिए, कौन से समय से स्टार्ट है टाइम होना चाहिए, वेन्यू यानी प्लेस कौन सी जगह पे है वो होना चाहिए। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो नोटिस है वो किनके लिए जारी किया जा रहा है, तो उनके लिए भी, तो उनको भी आपको सबमिट करना है, वो भी इंक्लूड होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट के लिए है तो स्टूडेंट, किसी पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए है तो लोग आना चाहिए, विलेजर्स के लिए तो विलेजर्स, ठीक है, जैसे लाइब्रेरी वाले हैं तो लाइब्रेरी वाले, कॉलेज वाले हैं तो कॉलेज वाले, यानी कि आपको यहाँ पे किनको आप ये
नोटिस जारी कर रहे हो वो भी इसमें सबमिट होना चाहिए, इसमें इंक्लूड होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, 50 वर्ड्स, डेट, टाइम, वेन्यू एंड आप किनको आप नोटिस जारी कर रहे हो वो यहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे नाम, यानी ये जो नोटिस है वो किनके द्वारा जारी किया जा रहा है, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका पद क्या है। जैसे स्कूल की बात होगी तो स्कूल में वो कौन से पद पे है, किस इंस्टीट्यूट की बात होती है उस इंस्टीट्यूट में वो कौन से पद पे है, उनका पद नाम, यहाँ पे डेजिग्नेशन, नेम और उनका यहाँ पे सिग्नेचर। तो इस तरह से आप जो है नोटिस का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। नोटिस हमेशा याद रखें कि जो नोटिस है, नोटिस किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी पर्सनली के लिए नहीं, पर्सनली इसे नहीं लिखना है, यानी पर्सनल वर्ड्स का यूज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें आप नोटिस लिखते हो, ये जो नोटिस होता है ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, यानी किसी पर्टिकुलर क्लास को लेकर के है, स्कूल के लिए है, उस संस्थान, किसी संस्थान को लेकर के है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल वर्ड्स का आपको यूज़ नहीं करना है। 50 वर्ड्स का ध्यान रखना है, डेट, टाइम, वेन्यू, किस उद्देश्य से है, किनके लिए है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, ठीक है, एंड हाउ, इस तरह के WH क्वेश्चंस के आंसर्स आपके 50 वर्ड्स में आने चाहिए और ये एकदम साफ सुथरे, एकदम क्लियरली होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आप ये समझ गए हैं कि आप नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल जिसमें हमें और भी क्लियर हो जाएगा और देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नोटिस राइटिंग को लेकर के। तो देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। यू आर मेघा सेन, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, नेक्स्ट वीक अ डिबेट कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन योर स्कूल, राइट ए नोटिस इनवाइटिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन। तो हमेशा याद रखिए कि यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में यदि नाम दिए जाते हैं, उनका डेजिग्नेशन यानी पद दिया जाता है, स्कूल का नाम लिखा जाता है, तो आपको उसके ही अकॉर्डिंग आपको नोटिस राइटिंग करने हैं। जैसे कि यहाँ पे जिसका भी नाम लिखा है, इसका जो डेजिग्नेशन है, इसके स्कूल है, स्कूल का नाम है, किस चीज़ को लेकर है, इसी के अकॉर्डिंग आपको नोटिस राइटिंग करने हैं एग्ज़ाम में। तो जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका नाम मेघा सेन है, आप क्या हो, आप जो है कल्चरल सेक्रेटरी है स्कूल के, और आपने अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उनको आप इनवाइट करोगे, आप एक इंस्ट्रक्शंस दोगे, आप एक नोटिस जारी कर रहे हो कि जो भी इस डिबेट कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से आप नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लिखना है, यानी आपको एक नोटिस बोर्ड है, आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड है और उस बोर्ड में आपको नोटिस जारी करना है। तो उसके लिए आप कैसे तैयार करेंगे तो देख लेते हैं। इसका जो नोटिस होगा वो कुछ इस तरह से होगा ताकि जो बच्चे हैं, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, वो अपना नाम दे सके, अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सके। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर, यहाँ पे लिखा गया है नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे टॉप में, उसके बाद हमने कुछ गैप छोड़े, उसके बाद हमने लिखा नोटिस, फिर यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है थोड़ा सा गैप छोड़ करके यहाँ पे डेट 12 फरवरी 2023, यानी इस डेट पे नोटिस जारी किया गया है। और इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं February 12, 2023, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ये अमेरिकन इंग्लिश है, दोनों ही सही हैं। फिर थोड़ा सा हमने गैप छोड़ा और यहाँ पे हमने लिखा टाइटल, हमारा टाइटल क्या है, तो हमारा जो टाइटल है वो डिबेट कॉम्पिटिशन इन स्कूल, तो ये हमारा हो गया टाइटल। फिर हमने छोड़ा गैप और गैप छोड़ने के बाद हमने लिखा बॉडी। तो जो बॉडी है जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, और देखिए इसमें 50 वर्ड्स का यूज़ किया हुआ है। अब देख लेते हैं, दिस इज़ टू इन्फॉर्म एंड इनवाइट ऑल द स्टूडेंट्स दैट द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th हु वांट टू पार्टिसिपेट द कल्चरल डिबेट कंपटीशन टू बी हेल्ड महात्मा गांधी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर ऑन 22 फरवरी 2023 एट 12 PM, दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन सेंड देयर एप्लीकेशन बिफोर 19 फरवरी 2023। अब देखिए ये जो बॉडी है, बॉडी की जो लेंथ है वो कितनी है, लगभग 50 वर्ड्स के आसपास है, तो 50 वर्ड्स के आसपास है। यहाँ पे देखिए डेट लिखा हुआ है 22 फरवरी 2023, टाइम लिखा हुआ है कहाँ पे होना है, प्लेस लिखा हुआ है महात्मा गांधी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, तो ये सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई है।
और ये जो नोटिस है वो किन के लिए है वो भी यहाँ पे मेंशन है। देखिए क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट के लिए हु आर इंटरेस्टेड, तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आपको लिखना है डेट, टाइम, वेन्यू, किनको हम नोटिस जारी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए और कम से कम शब्दों में। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे मेघा सेन जो नाम दिया हुआ है और उनका डिजिग्नेशन क्या है, कल्चरल सेक्रेटरी, और उनका सिग्नेचर। तो इस तरह से हम कम्प्लीटली एक नोटिस राइटिंग कर सकते हैं ताकि एग्जाम में हमें पूरे के पूरे नंबर मिले। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये देखिए ये है जैसे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेमेतरा के लिए, और वैसे ही फॉर्मेट में हमने सेम टू सेम लिखा हुआ है, बस यहाँ पे जो टाइटल होगा वो दूसरा है, यानी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको लिखने हैं, यानी एजुकेशनल टूर टू भोरमदेव। तो ऐसे ही आप जो है नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, ऐसे ही आपको सेम टू सेम आपको फॉर्मेट तैयार करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नोटिस राइटिंग आखिर में होता क्या है, नोटिस राइटिंग आपके स्कूल्स में लगाए जाते हैं, नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट हम कैसे तैयार करते हैं, एंड नोटिस राइटिंग की एग्जाम्पल। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।